हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एमपी व्लॉगर धनवी और मैं हूँ स्वाति। तो फ्रेंड्स, आज का जो व्लॉग है मैं मॉर्निंग से चालू कर रही हूँ। तो मॉर्निंग में मैं सबसे पहले जो है कपड़े जो रहते हैं जैसे कल के या फिर मैं रात को ही धोकर रख देती हूँ, तो वो मैं सुबह उठकर डाल देती हूँ। सबसे पहले मेरा वही काम रहता है। उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, उसमें आज मैंने बनाया था मैगी, क्योंकि मैगी मुझे बहुत तेज़ भूख लग गई थी और फिर मैगी जल्दी से बन जाती थी और मैं लेट भी हो गई थी, लेट होकर उठी थी, तो इसलिए मैंने मैगी बनाई थी और चाय बनाई थी और हस्बैंड को मैं दे चुकी थी। और फिर अभी जो है मैं रूम की क्लीनिंग कर रही हूँ और बस यही मॉर्निंग में रहता है कि थोड़ा सा क्लीनिंग वगैरह करना, तो वही मैं भी क्लीनिंग कर रही हूँ और तो और फिर झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। तो चलिए मैं जल्दी से ये काम कर रही थी, फिर मैं आप लोगों से बात करूँगी। और हाँ, जो भी मेरे चैनल पर नए व्यूवर आते हैं अगर उनको व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड एंड फैमिली का शेयर कीजिए और जो साइड में बेल आइकन बना है उसे भी प्रेस कीजिए, ताकि जैसे भी मैं न्यू वीडियो अपडेट करूँ, जैसे अपलोड करूँ, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू। तो चलिए जल्दी से मैं अपनी क्लीनिंग कर लेती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो अभी इवनिंग हो चुकी है और अब जाकर मैं फ्री हुई हूँ, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड नहीं हैं, वो आउट ऑफ स्टेशन गए, तो इशू को मुझे अकेले देखना था, तो आज मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। और अभी मेरे सास आई है, मतलब आई आई हम लोग आई कहते उनको, तो वो आई है, तो मैंने इशू को उनके पास भेज दिया है थोड़ा बाहर घूमने के लिए। और इशू की तबीयत ठीक नहीं है, उसे सर्दी हुई है, तो वो थोड़ा चिड़चिड़ भी कर रही थी और फिर परेशान कर रही थी बहुत। और मेरा सब काम वैसे ही है, उसे होंगे ना बहुत देर तक काम रखती है, ऐसा कुछ नहीं है, अब बहुत देर तक काम नहीं रखती, पर बच्चों के साथ है ना काम करना बहुत मुश्किल होता है, तो इसीलिए। और ऐसा होता ना कि जैसे अब इशू चलने लगी है, तो जैसे अगर मैं उठ कर किसी काम कोई जैसे काम करने रहता है तो जाती हूँ, तो इशू मेरे पीछे पीछे आ जाती है। और पता ना फर्श कितनी ठंडी होती है, और वैसे भी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए फिर मैं उसके पास ही बैठ जाती हूँ। और पता है मैंने क्या किया यार, मुझे सच में इतनी मेहनत करते हो, मेहनत करने के बाद और फिर ऐसा हो जाए बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पता है कल क्या हुआ, कल मैं लाइक वीडियो जो है उसे हटा रही थी, तो गलती से मैंने मेरा भी वीडियो मैंने लाइक किया है, तो वो मतलब मैंने गलती से डिलीट कर दिया, तो उसमें आ भी रहा था डिलीट फ्रॉम योर यूट्यूब चैनल, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैंने मतलब ध्यान नहीं दिया इतना, मतलब मैंने पता ही नहीं था यार कि वो डिलीट हो जाएगा मेरे चैनल में से, तो मैंने वो मतलब पढ़ा भी और फिर भी मैंने इग्नोर कर दिया और फिर मैंने डिलीट कर दिया। फिर उसके बाद मैं फिर मेरे ध्यान आया एकदम से यार कि ये डिलीट हो गया कि, मैं चेक करती हूँ, और जैसे मैंने चेक किया ना तो देखा कि वीडियो डिलीट हो चुका था। फिर मुझे इतना बुरा लगा यार कि इतनी मेहनत करने के बाद, मेहनत मतलब आप लोगों को लगता होगा यार कि वीडियो बनाने में क्या मेहनत लगती है, पर वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। एक तो उसकी एडिटिंग करो, फिर बार बार कैमरे यहाँ से वहाँ सेटअप करो, ऐसा करो, बहुत सारा तामझाम करना पड़ता है बहुत। कभी कभी तो मुझे इसी कारण गुस्सा आता है, तो मैं वीडियो बनाने में फिर मेरा मन नहीं करता, पर
इतना मैंने किया, फिर उसमें एडिटिंग करो, वॉइस ओवर करो, फिर बच्चे उठ जाते हैं तो उनको देखते रहो, फिर साइड मतलब जैसे बस साइड में बच्चे रहते वो चिल्लाते रहते तो उनको बोलो कि चुप रहो, खेलते रहते तो आवाज़ करते हैं उनसे, बोलते हो चुप रहो अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ, तो बहुत दिक्कत होती है यार। एक तो ये रोड का काम चालू है तो वो बहुत सारी आवाज़ें आती हैं, बहुत होता है बहुत, और एक तो बच्चे बच्चे के साथ भी नहीं हो पाता है, फिर भी जैसे तैसे मैं टाइम निकाल के मैं रात को एक एक दो दो बजे जैसे दूसरे रूम में चली जाती हूँ, वहाँ पर जाकर एडिटिंग करती हूँ कि डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, और बीच में इशू भी उठ जाती है कभी कभी, तो फिर उसके और जाना पड़ता है, तो बहुत मुझे बहुत बुरा सा लग रहा था यार कि मैंने इतनी मेहनत की, भला ही वो वीडियो अच्छा होगा नहीं होगा जो भी होगा, पर मेहनत तो मैंने अपनी तरफ से की ना, पर मेरे हाथ से डिलीट हो गया यार। ठीक है कोई बात नहीं, वीडियो तो दूसरा भी बना लूँगी, पर वही है बनाने में कोई नहीं है, पर उसमें मेहनत बहुत लगती है, और फिर बार 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 वही करो, एक तो समझ भी नहीं आता कि क्या वीडियो बनाए, और फिर जैसे तैसे बनाओ फिर ऐसा हो जाए तो फिर अच्छा नहीं लगता है। चलो ठीक है कोई बात नहीं, वैसे भी ये तो होता ही, चलो ठीक है अब जैसा नेक्स्ट टाइम ऐसा होगा तो ध्यान रखूँगी, और बस अभी तो बस मुझे थोड़ा घर का काम करना है, कपड़े निकाल के लाई हूँ तो वो कपड़े अच्छे से रखना है, और झाड़ू लगाना है, और थोड़ा सा शॉप पर जाना है, थोड़े से ऐसे सामान खरीदना है, तो अभी जाऊँगी, इशू आ जाएगी तब जाऊँगी उसको सुला दूँगी, और फिर वही खाना वगैरह बनाना है, देखती हूँ क्या बनाती हूँ, वैसे मेरे हस्बैंड नहीं है तो अच्छा भी नहीं लगता है, घर पर अकेले से लगता है, वैसे आई तो आ चुकी है, फिर भी हम हस्बैंड वाइफ दोनों ही रहते हैं ना, तो जैसे वो बाहर चले जाते हैं आउट ऑफ स्टेशन तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, घर सुना सुना सा लगता है, मन भी नहीं लगता किस चीज़ में, तो वही है दो लोग रहते हैं ना तो ऐसी प्रॉब्लम होती है, अगर फैमिली के साथ रहते तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं होती है। दिन भर से मेरा कुछ खाने का भी मन नहीं कर रहा था, और मैंने सुबह मैगी बनाई थी, उसके बाद फिर ऐसे थोड़ा सा चावल बना लिया, फिर मैंने कहा चावल खा लेती हूँ, फिर चावल बना लिया और रात की सब्जी रखी थी उसके साथ ही खा लिया, बस ऐसे ही। तो चलिए जल्दी से मैं है ना घर का काम करती हूँ, फिर मुझे थोड़ा सा शॉप पर भी जाना है, थोड़ा सा मतलब ऐसे ही सामान लेना है, तो फिर शॉप पर जाऊँगी तो आपको भी लेकर चलूँगी। तो चलिए जल्दी से मैं काम करती हूँ, फिर आप लोगों से बात करूँगी। तो गाइज़ मिष्टी जो है डांस कर रही है, वो घर पर आई थी तो सॉन्ग चलाए थे तो वो डांस कर रही थी, मैंने कहा कि चलो तुम डांस करो मैं तुम्हारा वीडियो बनाती हूँ, तो वो बस ऐसे डांस कर रही थी, डांस करके बता रही थी मतलब जो इशू है ना, इशू रो रही थी तो डांस करके बता रही थी इशू को, तो इशू को डांस कर, जैसे कोई भी बच्चे हो अगर उनके सामने थोड़ा सा डांस वगैरह कर लो तो उनको अच्छा लगता है, तो इसलिए मिष्टी डांस कर रही है। तो चलिए वैसे इशू का जो मिस्टेक का डांस है कंटिन्यू रखते हैं, और फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी जो है मैं डिनर बना रही हूँ, और आज बना रही हूँ मैं पुलाव, तो आज हम दोनों ही हैं तो मैं सोच रही हूँ पुलाव भी बना लेती हूँ, और रोटी वगैरह कौन बनाएगा, और वैसे क्योंकि झंझट लगती है कभी कभी रोटी बनाना, और हाँ मैं शॉप पर गई थी पर शॉप बंद थी और फालतू में मेरा जाना आना हुआ और काम भी नहीं हुआ, तो इसलिए मैंने आपको शॉप के बारे में कुछ दिखाया नहीं, नहीं तो वहाँ से जो भी सामान खरीदते तो मैं आपको बताती, तो शॉप ही बंद थी, तो बस अभी मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग चुकी है तो इसलिए मैं पुलाव बना रही हूँ जल्दी में, और रोटी भी बनाने की झंझट लगती है, तो बस अभी पुलाव तैयार कर लूँगी, फिर तो हेयर ऑयलिंग करूँगी और बस फिर उसके बाद सो जाऊँगी, तो बस और कुछ नहीं, नाइट में और क्या रहता है, बस खाना खाओ और थोड़ा सा क्लीनिंग वगैरह कर लो फिर सो जाओ, यही रहता है। तो मैं पुलाव बना रही हूँ, तो पुलाव में जो है मैं गोभी जो तुअर के दाने हैं ये सब कुछ डाल के, और पुलाव जो है ना मैं गोभी को है ना पहले जो बंद कौन सी फूल गोभी, जो फूल गोभी है ना इसे बॉईल कर लेती हूँ क्योंकि इसमें जो है कीड़े वगैरह रहते हैं, तो इसलिए मैं इसे बॉईल करके हमेशा बनाती हूँ, तो बस जल्दी से पुलाव बना लेती हूँ
और फिर डिनर करूँगी। ये अगर या फिर मैं आज का ब्लॉग यही एंड कर दूँगी या फिर टाइम रहेगा तो और भी थोड़ा सा जो है मतलब आपके वीडियो शेयर करूँगी, अगर नहीं कर सकूँगी तो यहीं पर एंड कर दूँगी।